हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, ये वीडियो है मैथमेटिक्स का, और इससे पहले आपको मैथमेटिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सी वीडियो अपलोड की है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी वीडियो। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से आपको एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो नहीं मिल रही थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट ये था कि हम 10th से हैं या 12th से हैं तो उनका एग्जाम चल रहा था, इसलिए उन्हें वीडियो अभी तक प्रोवाइड नहीं कराई गई। तो अब उनका एग्जाम हो चुका है, और वो सब जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहां पर ये खुशखबरी है कि उन सभी को अब रेगुलर मॉर्निंग में 6 बजे आपको मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको प्रीवियस इसके पूछे गए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन बताए जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको हम यहां पर इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के। इसी प्रकार आपको डेली 6 बजे आपको मॉर्निंग में मैथमेटिक्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मॉर्निंग 6 के लिए मैथमेटिक्स के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तभी आपको मैं रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा। आज हम बात कर लेते हैं, जिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बताना चाहूंगा इससे पहले भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए, और उसमें हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो कुछ प्रोवाइड कराए, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां चेकआउट कीजिए। आइए हम बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहां पर दोस्त बट्टा हानि लाभ से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप इनको सॉल्व करिए और समझिए, और हम जैसा बताए हैं दोस्त कि आपको ये पॉलिटेक्निक जैसा कि 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, हम यहाँ पर पिछले ईयर्स पूछे गए, आपके पिछले ईयर्स पूछे गए क्वेश्चन जो हैं उनको यहाँ पर बताने जा रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है कि राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपये में खरीदी, यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, जो कि पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछ रहा है कि जो साइकिल है उसका वास्तविक मूल्य कितना होगा, ये आप बताइए। तो आपको दोस्त इससे रिलेटेड एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि विक्री कर सहित आपको दिया गया है 3300 रुपये, ओके, मतलब जो साइकिल खरीदी गई वो विक्री कर सहित जो है उसमें 3300 रुपये है, ठीक है, विक्री कर उसमें ऐड है, यदि विक्री कर आपकी 10% है तो साइकिल का वास्तविक मूल्य, देखिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो फार्मूला क्रिएट यहां पर ये होता है कि साइकिल का वास्तविक मूल्य आपकी जो कितने है, जो आपकी विक्री कर सहित मूल्य है वो कितना है, 3300 रुपये, ओके, इंटू करते हैं, और आप जैसा देख सकते हैं 100/100+10 आपको दिख रहा है, तो आपका फार्मूला होता है 100/100+X, ओके, या 100+R, R चूंकि यहां पर जो है वो जो 10% बढ़ा रहे हैं विक्री कर, जो 10% उसकी विक्री कर है वो चीज है, इसीलिए 100+R आपका लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे आप 100+10, तो यहां पर आपका 100 अपान कितना हो जाएगा, 110, मतलब यहां पर टोटल आपका जो होगा वो 33 × 100/110, यहां पर जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्त सिंपली आपको 0 से 0 कैंसिल करना है और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका सिंपली यहां पर इसको 11 से आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 11 को 33 से कैंसिल कर 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आपका आ जाएगा। तो साइकिल का जो वास्तविक मूल्य आया वो 3000 आया, कैसे आया समझ लीजिए फिर से एक पॉइंट को, ये क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि विक्री कर सहित आपका 3300 रुपये है, ओके, तो विक्री कर की दर अगर आपकी 10% है तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक मूल्य का सदैव फार्मूला आपको याद रखना है कि विक्री कर सहित जो आपने लिया है उसको इंटू 100/100+ विक्री कर की जो दर है उसको जोड़ना है, तो विक्री कर की दर कितना है 10, तो सिंपली आपको लिखना है 33 × 100/100+10 और सॉल्व करेंगे तो आपका 3000 आंसर आ जाएगा। ये पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर हमने लिया है, ये पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीदता है, जिसमें विक्री कर की विक्री कर सम्मिलित है, अर्थात दोस्तों जो साइकिल जो रेडियो खरीदता है डेविड उसमें विक्री कर
सम्मिलित है। यदि रेडियो का जो क्रय मूल्य है 840 है तो विक्री कर की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये आपसे ये कह रहा है कि जो उसका क्रय मूल्य है रेडियो का वो 840 है, लेकिन उसमें जो खरीदता है व्यक्ति अर्थात डेविड, वो रेडियो को वो कितने में खरीदता है, 882, और इसमें विक्री कर भी सम्मिलित है। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ज्ञात करना है विक्री कर की दर। ये पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं इसके हल की ओर। तो आपका सलूशन दोस्त ये कहता है कि हम मानते हैं कि माना जो विक्री कर की दर है वो R परसेंट है। कितना? R परसेंट, ठीक है। तो जो विक्री कर की दर दर्शाते हैं वो R से दिखाते हैं, तो R परसेंट है। तो सिंपली आपको क्या कहा जा रहा है, आपका जो ये है 882 है, 882 रुपए का जो खरीदता है उसमें विक्री कर भी सम्मिलित है, अर्थात क्रय मूल्य तो सम्मिलित ही है। इस 882 में 840 तो आपका सम्मिलित ही है, ठीक है, क्रय मूल्य, और साथ में विक्री कर सम्मिलित है, तो उसी का आपका योग जो है वो 882 आता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर आपको पता है दोस्त आपका क्रय मूल्य कितना है, 840 आपको दिया है, तो सिंपली आप लिखेंगे 840 प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आपको लिखना है 840 इंटू आर अपान 100। क्यों दोस्त? ये है आपका विक्री कर। ओके, तो विक्री कर जो होता है आपका ये क्रय मूल्य इंटू आर अपान 100। ओके, तो यहां पर आपको 840 करना है, ये आर आपका विक्री कर की दर है, इंटू अपान में क्या करना है 100 करना है, इक्वल टू कितना करना है 882। क्यों दोस्त? चूंकि ये कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य प्लस विक्री कर की जो दर है वो आपका दोनों क्या होगा, उसका ऐड होकर का सम्मिलित मूल्य जो आता है वो 882 रुपए आता है। तो सिंपली आपका 840 इक्वल टू 840 कि कितना R परसेंट, अर्थात यहां पर इसका जो है 840 का कितना, देखिए दोस्त आपको निकालना है विक्री कर की दर। ओके, आपका जो क्रय मूल्य दिया है वो 840 दिया है, तो इसी क्रय मूल्य में से R परसेंट जो होगा विक्री कर की दर है, तो वही चीज हम यहां पर निकाल रहे हैं। आपको सिंपली क्या लिखना है, एक बार आपको 840 लिखना है, प्लस करना है 840 इंटू इसका कितना 840 का R परसेंट, अर्थात R अपान क्या करेंगे 100 करेंगे, इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे तो 882, चूंकि दोनों का जो सम्मिलित मूल्य आता है वो 882 आता है। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो ये 840 को उधर भेज दीजिए, तो 882 माइनस 840 हो जाएगा, तो सिंपली कितना आ जाएगा यहां पर आपका, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपका 42 आ जाएगा, और इस 10 को उधर जब भेजेंगे तो ये 10 इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा, अर्थात यहां पर आपका आ जाएगा 42 इंटू 10 अपॉन 84, और इसको आप डिवाइड कैंसिल करेंगे तो आपका नीचे 2 आएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 5, अर्थात R का जो मान आया परसेंटेज कितना आया, विक्री कर की दर आई 5%, तो R का मान कितना आ गया दोस्त 5%। ओके, तो ये क्या आया है, विक्री कर की दर। तो विक्री कर की दर आपको ऐसे ही ज्ञात करना है, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का R परसेंट, ओके, इक्वल टू जितना भी टोटल दिया रहेगा उसका इक्वल आपको दिखा के करना है, R की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो खासतौर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपके काउंसलिंग से लेकर आपके कॉलेज में एडमिशन तक इसी प्रकार आपको यहां पर पूरी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्त अगर आप मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे फोकस मोटिवेशन चैनल का लिंक है, आप जाइए वहां पर, उससे तैयारी से रिलेटेड आपको कैसी वीडियो चाहिए वहां पर कमेंट करके जरूर बताइए, और उस चैनल का भी सपोर्ट अर्थात सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करिए। तो देखिए दोस्त यहां पर क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन, ये भी पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि 10% 20% क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। आपसे कह रहा है कि 10% है, 20% है, ये क्रम के अनुसार ये कटौतियां हैं, तो किस एकमात्र कटौती के ये समतुल्य होगी, ये आपको बताना है, जो कि पॉलिटिक्स 2011 में आया है। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है, उस चीज को हम आपको बताते हैं। तो देखिए आपका क्या होता है, एकल कटौती, अगर समतुल्य कटौती की बात करें तो आपका होता है दोस्त 100 में से माइनस करना होता है, 100 माइनस 100 इंटू जितना परसेंटेज घटा उसका, जितना फिर बारे में घटा आपको उतना। तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको जो करना होगा वो लिखेंगे आप 100 माइनस 100,
ओके 100-100 इंटू करेंगे आप कितना करेंगे, 100-100 इंटू आपको करना कितना है 90/100। क्यों 90 कर रहे हैं दोस्त, ये 10% की कटौती अर्थात 100-10 करेंगे तो 90 आएगा, और फिर से 20% की कटौती अर्थात 100-20 करेंगे तो 80 आएगा, तो 80/100 हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका करेक्ट यहां पर ये आंसर आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, इस प्रकार आपको 90/100 करना है। देखिए 10% की कटौती हो रही तो आपका 90/100 होगा, फिर 20% की कटौती तो 80/100 होगा, जितना हो उसको माइनस कर देना है। ओके, और यहां पर एकल कटौती निकालते हैं तो यही फार्मूला बनता है, 100 में से आपको इसको माइनस करना होता है। ओके, यह 100 माइनस होगा, 100 माइनस फिर 100 इंटू आपका जितना परसेंट कटौती अपान 100, फिर जितना परसेंट कटौती अपान 100, फिर उसके बाद आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल, 8 कितना हो जाएगा 72, तो 100-72 करेंगे तो कितना आएगा 28%, अर्थात जो समतुल्य कटौती आई वो आपका 28% आई। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 28%। देखिए क्वेश्चन आपको यहां पर लगा रहे तो कोशिश करें आप भी हमारे साथ लगाते रहें, और आप कमेंट करके हमें आंसर अपना बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी के साथ आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको यहां पर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन दोस्त आपको दिया है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 है और खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं, तो विक्री जो मोटरसाइकिल है उसकी विक्री कर बताइए। तो विक्री कर की दर अर्थात जो आर का आर परसेंटेज कितना होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, जो कि आपका पॉलिटेक्निक 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ध्यान से समझिएगा, आपसे ये कह रहा है दोस्त अंकित मूल्य क्या है, और ये जो खरीदने का मतलब ये क्या होता है, ये क्रय मूल्य, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, और दोनों का जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, अगर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है तो आपका क्या हुआ है लाभ, लेकिन अगर क्रय माइनस विक्रय है तो हानि, अर्थात अगर आपका यहाँ पर विक्रय में से क्रय को माइनस करते हैं तो आपका पॉजिटिव आया तो लाभ हुआ। ठीक है, अर्थात आपने ज्यादा दाम पे, कम दाम पर खरीदा लेकिन ज्यादा दाम पर बेचा, तो क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो यहां पर आपसे ये कह रहा है कि एक अंकित मूल्य मतलब जो भी आपका क्या है मोटरसाइकिल है उस पर जो अंकित है मूल्य लिखा है वो है अंकित मूल्य, वो 40 है, लेकिन ये खरीदते कितने का है, वो है दोस्तों रेट उसका 44,800 रुपए का। तो मोटरसाइकिल की विक्री दर क्या होगी, देखिए क्या होगा कि यहां पर अगर हम बात करें तो किसी ग्राहक को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दी गई राशि कितनी है 44,800 रुपए, और जो उस पर अंकित मूल्य कितना है 40,000 रुपए, अर्थात किसी ग्राहक को जब मोटरसाइकिल जो दी गई उसके लिए धनराशि दी गई है 44,800, लेकिन जो मोटरसाइकिल है उसका मूल्य जो है अंकित मूल्य वो 40,000 रुपए है, तो आपको निकालना है बिक्री कर की दर। तो सिंपली आपको करना क्या है, 44,800 में से 40,000 को माइनस करना है, बचेगा कितना 4800। ठीक है, कितना बचेगा 4800। तो ये आपका क्या बता रहा है, यही आपको बता रहा है कि जो दर बढ़ी है, जो विक्री में दर लगा है वो आपका कितना है 4800। अब इसका हम परसेंटेज के रूप में निकालेंगे, तो मोटरसाइकिल पर विक्री कर की दर कैसे आप निकालेंगे, सिंपली आपको जो आपका आया है 4800 ऊपर लिखना है। ठीक है, जैसा हमारा यहाँ पर इसको माइनस किया तो 4800 आया, तो ठीक है इसी प्रकार आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पर 4800 आया, और फिर आपको अंकित मूल्य से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, जो आप 40,000 किसका मूल्य है, अंकित मूल्य, ना कि जो ग्राहक ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए धनराशि, इसको नहीं देखना है, जो उसका अंकित मूल्य है उसी से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, इनटू आपको कर देना है 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, तो सिंपली आपको 40,000 × 100 अर्थात 2 0 कैंसिल, 2 0 इससे कैंसिल, और इसको करेंगे तो बढ़ चुक 48, अर्थात जो आएगा वैल्यू वो 12% आएगा, कितना 12%। तो मोटरसाइकिल पर विक्री कर की दर कितनी हुई 12%। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान समझिएगा, बेसिक है, छोटा है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा जा चुका है। आपसे ये क्वेश्चन है कि यदि व्यापार की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपए कम हो जाता है। ध्यान समझिएगा, व्यापार की जो दर है 5% घटती है तो वस्तु का जो
विक्रय मूल्य है 250 रुपये कम हो जाता है, तो वस्तु का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए, जो कि आपका पॉलिटिंग 2012 में पूछा जा चुका है। अब देखिए ये आपसे कह रहा है कि 5% घटती है और इधर विक्रय मूल्य भी आपका 250 रुपये घट जाता है, तो ये दोनों में आपको लगता नहीं दोस्तों, ये दोनों इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो सिंपली यही आपको करना है कि 5% इक्वल टू क्या 250, अर्थात 5% घटने पर उसमें कितने विक्रय मूल्य में कमी हो रही है 250 रुपये की। तो सिंपली आपको यही दिखाना है कि आपका 5% इक्वल टू कितना होगा 250। आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्त कि अगर जो व्यक्ति है व्यापार की दर 5% घटती है तो वस्तु के विक्रय मूल्य भी आपका 250 रुपये घट जाता, अर्थात ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके परसेंटेज 5% पे। तो सिंपली आपका यहां पर क्या हो जाएगा 5% इक्वल टू कितना 250 रुपये, 5% इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 रुपये। और यहां पर अगर 100% इक्वल टू निकालेंगे तो आपका सिंपली यहां पर 250 होगा, 100 की बात कर रहे हैं तो इधर भी आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 आपका नीचे जाएगा, तो सिंपली यहां पर आपका हो जाएगा कितना, ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 50 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5000 आ जाएगा, अर्थात जो आपका 100% आपका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आया 5000, कितना है दोस्त 5000। तो ऑप्शन नंबर इसका डी 5000 बिल्कुल सही है, तो वस्तु सूची मूल्य कितना है 5000 रुपये। ओके, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने वीडियो देखा तो कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा, मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें, जरूर लिखें, धन्यवाद।